और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक 6 शवों की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गर्दन के सहारे लटकने की वजह बताई जा रही है मौत की, किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, बाकी 5 शवों का पोस्टमार्टम कल होगा, मगर 6 शवों की जो शुरुआती रिपोर्ट आई है मौत गर्दन के सहारे लटकने की वजह से हुई, किसी तरह के संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं। मगर अभी हम इंतजार करना होगा विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि क्या ऐसे सब्सटेंसेस थे उनके उनकी बॉडी में, उनके विसरा में, जिससे ये लग रहा हो कि उन्हें किसी तरह का नशा दिया गया हो। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा मेरे साथ बने हुए। मनोज, तो क्या यह कहा जाए कि उन 6 शवों की यह फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है या अभी कुछ और परतें बाकी हैं इसमें? मनोज जी बिल्कुल, देखिए अभी ये फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है सर, सिर्फ इनिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, क्योंकि अभी तो विसरा जो है उसको प्रिजर्व किया गया है, विसरा रिपोर्ट बाद में आती है। और शुरुआती अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ हैंग करके डेथ है, यानी कि सिर्फ गर्दन दबने से, यानी कि गले में रस्सी थी उसकी वजह से जो है डेथ सामने आई। लेकिन जो विसरा प्रिजर्व किया गया है उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी, उससे पता चलेगा कि जो रात में जो खाया था क्या खाया था, उसके अंदर क्या था, तो वो चीजें बाद में पता चलेंगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।